हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल ऑफ लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम विथ अन अकेडमी। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स? आज का सेशन बड़ा ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज से पहले जो भी आपको कंफ्यूजन हुआ करती थी डेटाबेस से रिलेटेड, डेटाबेस के बेसिक से रिलेटेड, लाइक इंस्टेंसेस क्या होते हैं, एक्सटर्नल व्यू क्या होता है, इंटरनल व्यू क्या होता है, फिजिकल, लॉजिकल, ये टर्म्स आपने एग्जाम में सुने होंगे और अपने सब्जेक्ट में सुने होंगे। लेकिन जब हम ये एज एन कलेक्टिव बात करते हैं, तो इन सारे टर्म्स में आप मिक्स मैच कर देते हो, आप इन सारे टॉपिक्स की खिचड़ी बना लेते हो। ठीक है, तो आज के हम इस टॉपिक में यही पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में हम थ्री टायर लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं और डेटा इंडिपेंडेंसी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का ये सेशन अगर आप पूरा देख लेते हो, तो आई एम अश्योरिंग यू कि आप लॉजिकल, स्कीमा, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंडिपेंडेंसी, इनके क्वेश्चंस में कभी नहीं अटकोगे। और मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि पूरा वीडियो देखो और ध्यान से देखना, ताकि आप जो भी डायग्राम्स अपन देखेंगे, जो भी डेटा फ्लो अपन देखेंगे, आप अपने दिमाग में बिठा लो और याद कर लो उन सबको। ठीक है, ताकि सारे यूजीसी नेट के क्वेश्चंस अगर आते हैं डेटाबेस से रिलेटेड, स्कीमाज में तीन चार क्वेश्चंस आते ही हैं, ये तो हमेशा का रिकॉर्ड ही है एनटीए यूजीसी नेट का, तो वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। चलो, तो सेशंस को स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू यू ऑल। ठीक है, मैं काव्या गौड़ हूँ, आपको पता ही है। मैं पेपर टू आपको कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस पढ़ाने वाली हूँ फ्रेंड्स। और याद रखो, जल्दी से सबको हम छोड़ छाड़ के खाना पीना डिनर करके आपको सिंपल क्या करना है, रात के 9:30 बजे यहाँ पे इस चैनल पे आ जाना है, मेरी प्लेलिस्ट पे आ जाना है। आपको 9:30 बजे चैनल पे, 9:30 बजे इस चैनल पे अपना लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा और आप अपनी पेपर टू कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस की प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स, मैं एम टेक एंड बी टेक इन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी डोमेन रिस्पेक्टिवली। मैं फॉर्मर सॉफ्टवेयर डेवलपर भी रह चुकी हूँ फ्रेंड्स, बट राइट नाउ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज आईटी डिपार्टमेंट। आई हैड टोटल ऑफ 1 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो आई एम अ यूट्यूबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम पर, जो आपको कौन प्रोवाइड करा रहा है, अनअकैडमी। अनअकैडमी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अपन आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले। अनअकैडमी एक बहुत ही इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आई विल रिकमेंड यू कि अनअकैडमी पे आ जाओ। यूट्यूब के लाइव सेशंस तो देखो ही देखो, लेकिन अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। थोड़े से मैं पॉइंट्स बता देती हूँ फ्रेंड्स कि सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको क्या पॉइंट्स मिलने वाले हैं, क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। वहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी फ्रेंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप देख रहे हो कोई से भी एग्जाम को क्रैक करना इतना आसान नहीं होता जब तक हम डेली कंसिस्टेंट मैनर में ना पढ़ें। ठीक है, तो वहाँ पे आपको डेली कंसिस्टेंट मैनर में आपके रिस्पेक्टिव एजुकेटर्स के साथ लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। लाइव क्लासेस बहुत ही इंटरैक्टिव रहेंगे, वहाँ पे इमोजीज रहेंगे, पोल्स रहेंगे, कमेंट ब्लॉक रहेगा, हाथों हाथ अपना कमेंट पूछो, डाउट पूछो और क्लियर करो। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज अवेलेबल कराएंगे अपन आपको सब्सक्रिप्शन प्लान में। ठीक है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको इवैल्यूएट करने में हेल्प करेंगे कि क्या आपके लूप होल्स हैं, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। लूप होल्स पे आपको कितना काम करना है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आपको कितना, ठीक है, प्रिपरेशन एक लेवल की प्रिपरेशन करने के बाद छोड़ देना है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे वहाँ पे आपको। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब क्या है, सारा कंटेंट एक ही जगह पे, ऐसा नहीं है कुछ कंटेंट के लिए वेबसाइट जाओ, दूसरी कंटेंट पे ले जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर में आपको सारा कंटेंट मिलने वाला है, प्लस अनलिमिटेड एक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा। जब तक आपका सब्सक्रिप्शन प्लान है, तब तक आप उस वीडियो को कहीं पे भी बैठ के कभी भी एक्सेस कर सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको आपको रहेगा कि आप जल्दी से जाओ और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान को ले लो, क्योंकि वहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, जो आपको कंटिन्यूसली पढ़ा रहे हैं, आपके जो भी डोमेन की नॉलेज, जो भी डोमेन से आप बिलोंग करते हो, उस डोमेन से एक्सपीरियंस सारे अपने एजुकेटर्स हैं। सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्रेंड्स, कॉमर्स ले लो, मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, लॉ, पॉल साइंस, कोई से भी कोर्स ले लो, कोई से भी डोमेन से आप बिलोंग करते हो, सारे कोर्सेज हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान में अवेलेबल हैं। ठीक है, अब बात जल्दी से कर लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन प्लान को रजिस्टर कैसे करना है। जल्दी से जाओ अपने प्ले स्टोर में, जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो,
ऐप को डाउनलोड करते ही आपको ये एनटीए यूजीसी नेट सब्सक्राइब एनटीए यूजीसी नेट को सेलेक्ट करना है. लाइक फॉर एग्जांपल आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कोई और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसको सेलेक्ट करो सब्सक्रिप्शन को. वो आपको ये बॉक्स दिखा देगा, सारे पेमेंट्स के ऑप्शन दिखा देगा. मेरा रिकमेंडेशन रहेगा फ्रेंड्स कि यू शुड ऑलवेज गो फॉर 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स. 6 मंथ्स भी सफिशिएंट रहता है, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं रहता है क्योंकि एक बार में पढ़ लोगे फिर एग्जाम आ जाएगा तो एक कंटिन्यूसली टूट जाएगी. ठीक है, तो 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो फ्रेंड्स, तो मेरा सजेशन है, बहुत ही वाइड सिलेबस है, 2 महीने 12 महीने अच्छे से प्रिपरेशन करो ताकि एक बार में नेट निकालो, दूसरी बार में JRF को टारगेट कर लो. ठीक है, और अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो फ्रेंड्स तो ये कोड डालना बिल्कुल मत भूलना, KAAVYA, जिससे आपको फ्लैट 10% का हाथों हाथ डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी कॉस्ट 10% कम हो जाएगी. चलो, तो ये तो बात हो गई अपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान की, अनअकैडमी सब प्लेटफॉर्म की. अब अपन बात करते हैं अपन ना डेटा इंडिपेंडेंस इन 3-लेवल आर्किटेक्चर स्कीमा. ठीक है, आज अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ठीक है, अच्छे से अगर आपने सुना क्या बोल रही हूँ मैं, क्या समझाना चाह रही हूँ, तो आप अच्छे से कनेक्ट कर लोगे. उससे पहले आई विल रिकमेंड यू कि अपना जो रिचुअल वन था, जो वीडियो अपना फर्स्ट वीडियो था, आप प्लेलिस्ट में जाके देखना. काव्या गौड इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे, काव्या गौड की प्लेलिस्ट आ जाएगी कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस की. उसमें अपन ने सेकंड वीडियो, पहले मैं तो स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी थी, सेकंड वीडियो में अपन ने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था. उसमें मैंने कुछ 3 लेवल के बारे में आपको बेसिक्स बताए थे. ठीक है, आज अपन उसको स्कीमा से इंटररिलेट करेंगे. बेसिक्स मैंने बताए थे, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल. ठीक है, आज अपन उन्हीं लेवल्स को आर्किटेक्चर रूप में पढ़ेंगे, स्कीमा के रूप में पढ़ेंगे, स्कीमा से रिलेट करके पढ़ेंगे. फिर देखेंगे कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है और उसका क्या रोल है इन सबके बीच में. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज से. पहले तो मैं आपको ये डायग्राम बता दूं. ये डायग्राम, ये अपन ने फिगर जो था अपन ने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा था कि सबसे पहले होता है आपका डेटा बेस. ठीक है, फिर आता है आपका फिजिकल स्कीमा, फिर कंसेप्चुअल लेवल और फिर आता है एक्सटर्नल लेवल. यहाँ पे आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे कि स्कीमा होता है, लेवल होता है, क्या होता है. सॉरी, तो ठीक है, यहाँ पे आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे कि स्कीमा होता है, लेवल होता है, क्या होता है. हमारा यहाँ पे एक ही मतलब है, या तो वो स्कीमा हो या वो लेवल हो, हमको उसके पीछे का काम देखना है कि उस पर्टिकुलर लेवल में क्या हो रहा है. सब बातों को एक ही टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले होता है डेटाबेस. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज़ आई विल रिकमेंड देखना. वापस से मैं थोड़ा सा हल्का सा बता देती हूँ. सबसे पहले होता है हमारा डेटाबेस, फिर उसके बाद होता है फिजिकल लेवल. ठीक है, फिजिकल स्कीमा. फिजिकल स्कीमा क्या काम करता है? फिजिकल, एनी थिंग विच यू कैन टच. ठीक है, फिजिकल स्कीमा में व्हाट डेटा स्टोर होता है. ठीक है, हाउ. कंसेप्चुअल में व्हाट. यहां पे हम देखेंगे आपका सारा डेटाबेस में जो भी आपने डेटा स्टोर किया है कैसे स्टोर होने वाला है. फिजिकल लेवल में सारा फिजिकल इंफॉर्मेशन होगी, लाइक कोई भी स्टोरेज डिवाइस कैसे स्टोर करने वाले हो, कौन सा एक्सटर्नल एक्सटर्नल मेमोरी का स्टोरेज डिवाइस यूज कर रहे हो, किस पैटर्न में स्टोर कर रहे हो, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है आपके फिजिकल स्कीमा में. ठीक है, फिर बात आती है उससे जस्ट ऊपर स्कीमा होता है अपना कंसेप्चुअल स्कीमा. कंसेप्चुअल स्कीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे कंसेप्चुअल स्कीमा में आपका पूरे डेटाबेस का डिजाइन रखा हुआ होता है. ठीक है, बेसिकली अगर हम कंसेप्चुअल की बात करें तो व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन कंसेप्चुअल स्कीमा. ठीक है, फाइनली आपका होता है एक्सटर्नल स्कीमा. एक्सटर्नल स्कीमा जहाँ पे आप यूजर बैठता है डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए, तो वो होता है हमारा एक्सटर्नल स्कीमा. ठीक है, इंडिविजुअल होता है, ये सेपरेट व्यूज होते हैं, जैसे यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 अलग अलग सेपरेट व्यूज होते हैं. ये तो बात हो गई स्कीमाज की. ठीक है, अब अपन बात करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन की. इसी में अगर हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन जोड़ना चाहें तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको समझाती हूँ. डेटा एब्स्ट्रैक्शन बहुत आपने सुना होगा क्या होता है. एब्स्ट्रैक्शन की एकमात्र चीज़ ले लो कि आपके रूम में फैन का बटन देख लो कहीं पे और फैन देख लो. ठीक है, फैन का बटन देखो और फैन देखो क्या हो रहा है. आपने फैन का बटन ऑन किया और फैन ऑन चलने लग गया. ठीक है, वापस से जाओ फैन का बटन ऑफ करो और फैन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा. ये क्या हो रहा है, ये आप यूजर हो, आपका इनपुट है और आपका आउटपुट है. ठीक है, यूजर, इनपुट एंड आउटपुट.
आपको कुछ नहीं दिख रहा है कि फैन के स्विच से लेके फैन तक के बीच में क्या वायरिंग हुई है, क्या काम हो रहा है, क्या पर्टिकुलर कनेक्शंस जुड़े हुए हैं, किन कनेक्शन के बेस पे फैन ऑन हो रहा है, किन कनेक्शन के बेस पे फैन ऑफ हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एज एन यूजर नहीं पता। आपको सिर्फ क्या पता है, इनपुट सोर्स एंड आउटपुट सोर्स, ठीक है। तो ये चीज होती है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, यूजर से सारी अनवांटेड चीजों को छुपा के रखना, ठीक है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इस पर्टिकुलर लेवल में हम देखें तो सबसे ज्यादा डेटा एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं एक्सटर्नल लेआउट व्यूज, ठीक है। एक्सटर्नल लेआउट व्यू, जैसे बैंकिंग की अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, तो बैंकिंग में क्या होता है, आप जैसे बैंकिंग में जाते हो, बैंकिंग में आपने देखा होगा कि आप एज इन एक यूजर गए हो, आपको आपका डेटा तो अवेलेबल कराया जाएगा, लेकिन क्या आपको किसी और का डेटा अवेलेबल कराया जाएगा क्या? आप अपनी सैलरी देख सकते हो, आप अपने बैंक के अकाउंट की सारी डिटेल्स देख सकते हो, लेकिन क्या यूजर टू की डिटेल्स देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। तो ये क्या हुआ, हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एज एन यूजर को सिर्फ उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कराई और बाकी के यूजर्स की डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कराई, ठीक है। सिर्फ उसके काम की चीजें उसको दिखानी है। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल लेआउट व्यू एंड यूजर्स व्यू, हाईएस्ट डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर आते हैं कंसेप्चुअल लेयर में, कंसेप्चुअल लेयर, कंसेप्चुअल स्कीमा में, इसको हम ग्लोबल और कम्युनिटी यूजर व्यू भी बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर ग्लोबल व्यू, कम्युनिटी यूजर व्यू आता है, टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या नया टर्म आ गया, कुछ नहीं है, कंसेप्चुअल लेयर ही है, कंसेप्चुअल स्कीमा के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। तो ग्लोबल, इसके टर्म्स याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि टर्म्स के बेसिस पे अभी ये टर्म्स ही याद नहीं रही तो अपन यूजीसी नेट एग्जाम में सोचेंगे कि अरे हमको तो आता ही नहीं है, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, कुछ नहीं है, ये वही वाला टॉपिक है, कंसेप्चुअल लेयर, कंसेप्चुअल स्कीमा ही है, ठीक है। फिर कंसेप्चुअल लेयर में क्या करते हैं हम, हाईएस्ट लेवल, तो हाईएस्ट लेवल डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो गया हमारा एक्सटर्नल व्यूज में, फिर उससे कम डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है हमारा कंसेप्चुअल व्यू में। यहाँ पे हम अनवांटेड चीज़ें छुपाते ज़रूर हैं, यूजर से छुपाते ज़रूर हैं, लेकिन थोड़े कम लेवल पे छुपाते हैं, ठीक है। आपने बोला यूज़र को, यूज़र टू, व्यू वन को, यूज़र वन को, यूज़र टू और यूज़र थ्री की वैल्यूज़ नहीं दिखानी, तो मत दिखाओ। कंसेप्चुअल स्कीमा आपका रिस्पॉन्सिबल है वो सारी इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए, ठीक है। फिर उससे कम डेटा हाइडिंग पॉसिबल होती है आपके फिजिकल लेवल पे, क्योंकि फिजिकल लेवल में पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर होएगी, हाउ डेटा इज स्टोर, तो ये कैसे डेटा स्टोर है, अगर कोई पर्टिकुलर यूजर फिजिकल लेवल पे चेक करता है, कोई पर्टिकुलर यूजर फिजिकल लेवल पे अगर देखता है तो उसको सारी इंफॉर्मेशन पता पड़ जाएगी, उसके पास कोई डेटा हाइडिंग की बहुत कम सोर्सेज अवेलेबल होंगे, वो सब कुछ देख सकता है कि आपके डेटाबेस में कौन कौन सा डेटा स्टोर है, किस पैटर्न में डेटा स्टोर है, क्या चेंजिंग एक्सेस मेथड्स हैं एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। फिजिकल लेयर को अपन इंटरनल व्यू या स्टोरेज व्यू भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्सटर्नल लेआउट व्यू हो गया, एक्सटर्नल व्यू बोल सकते हो आप इसको, एंड यूजर्स व्यू बोल सकते हो, या फिर इंडिविजुअल यूजर व्यू बोल सकते हो, ठीक है। ये बात हो गई एक्सटर्नल की। फिर आते हैं अपन कंसेप्चुअल स्कीमा पे, कंसेप्चुअल स्कीमा को कंसेप्चुअल स्कीमा बोलते ही हैं, कंसेप्चुअल लेयर बोलते ही हैं, या फिर ग्लोबल और कम्युनिटी यूजर व्यू भी बोलते हैं, ठीक है। या इसको अपन लॉजिकल भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपका लॉजिकल भी कहलाया जा सकता है, तो लॉजिकल का वर्ड मतलब लॉजिकल भी कंसेप्चुअल ही हुआ। फिर आती है फिजिकल लेयर, इसको आप इंटरनल व्यू या स्टोरेज व्यू भी बोल सकते हो, फिजिकल स्कीमा एक ही बात है, ठीक है। सबसे पहले बात अपन ने कर ली एब्स्ट्रैक्शन की, ये पूरा आपको आर्किटेक्चर समझना है, ये इस आर्किटेक्चर के बिना, अगर आपने इस आर्किटेक्चर को अपने दिमाग में नहीं घुसाया है तो आप चांसेस हैं कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको दिमाग में बिठा लो और गारंटेड है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे, आप इस डायग्राम को, आपकी क्या होती है फ्रेंड्स, इमेजिनरी विजन्स जो होते हैं ना, विजन्स बहुत पावरफुल होते हैं, तो ट्राई किया करो कि हर जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, उसको इमेज के फॉर्म में पढ़ो, उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ो, तो फ्लो चार्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। आपको पता पड़ जाएगा कंसेप्चुअल स्कीमा कहाँ पे फॉल करता है, फिजिकल स्कीमा कहाँ पे फॉल करता है। अब आप मेरे को, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं भूलोगे कि फिजिकल सबसे टॉप मोस्ट है या सबसे बॉटम मोस्ट है, ठीक है। तो ये होती है पावर विजन्स की, इसको सेव कर लो अपने दिमाग में, अपन आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। एक्सटर्नल स्कीमा में हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़र इंटरफेस ऑफ डेटाबेस। एक्सटर्नल स्कीमा में कौन है हमारे सारे, यूज़र इंटरफेस, ठीक है, ये कौन है आपके यूज़र इंटरफेसेस। तो एक्सटर्नल स्कीमा में कौन रहता है अपना, यूज़र इंटरफेस। इट इज़ बेसिकली अ सबसेट ऑफ कंसेप्चुअल स्कीमा, ठीक है। मैंने आपको बोला, यहाँ मैंने आपको बोला कि हाईएस्ट लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन क्या हो गया आपका, डेटा एक्सटर्नल स्कीमा, उससे कम हो गया आपका कंसेप्चुअल स्कीमा, ठीक है। तो कंसेप्चुअल स्कीमा रिस्पॉन्सिबल है आपका हाईएस्ट लेवल आपका डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन के लिए, तो ये हो गया एक्सटर्नल व्यू उसका सबसेट, ठीक है। ये तो हो गया आपका कंसेप्चुअल स्कीमा और उसका हो गया सबसेट एक्सटर्नल स्कीमा। सारी इंफॉर्मेशन, व्हाट डेटा इज स्टोर, पूरी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन, डिजाइन पैटर्न, सारी इंफॉर्मेशन आपके लॉजिकल स्कीमा कंसेप्चुअल स्कीमा में रहने वाली है। इस पर्टिकुलर स्कीमा से आप एक्सटर्नल स्कीमा को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाया जा सकता है, सबसेट ऑफ कंसेप्चुअल स्कीमा, ठीक है, सबसेट ऑफ कंसेप्चुअल स्कीमा। तो कभी भी आ रखा है एक बार क्वेश्चन कि कंसेप्चुअल स्कीमा का सबसेट क्या, कौन सा स्कीमा होता है, एक्सटर्नल इंटरनल फिजिकल, ठीक है। कभी कभी लोग इंटरनल कर लेते हैं कि इंटरनल फिजिकल, ये इंटरनल वाला आपका सबसेट हो सकता है, नहीं, सबसेट कौन सा है, ऊपर वाला। ये पर्टिकुलर फिजिकल स्कीमा तो इसका भी सुपर सेट है, ठीक है, उसका पार्ट कंसेप्चुअल, फिर सबसे छोटा आपका एक्सटर्नल, ओके। फिर बात आती है कंसेप्चुअल स्कीमा की, इस कंसेप्चुअल स्कीमा को डिफाइन करते हैं अपन। इट ओनली हाइड फिजिकल डिटेल्स एंड स्टोर्स व्हाट डेटा एग्जिस्ट इन डेटाबेस, ठीक है। कंसेप्चुअल स्कीमा सिर्फ फिजिकल डिटेल्स को हाइड करता है, कंसेप्चुअल स्कीमा सिर्फ किसको हाइड करेगा, फिजिकल डिटेल्स को, ठीक है। इतना हो गया कंसेप्चुअल, इसके ऊपर वाला तो अब यूजर देख ही सकता है, लेकिन कंसेप्चुअल के नीचे वाला यूजर कंसेप्चुअल के नीचे वाला यूजर नहीं देख सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कंसेप्चुअल स्कीमा, इट ओनली हाइड्स फिजिकल डिटेल। फिजिकल डिटेल्स में कौन कौन सी डिटेल्स थी, जल्दी से बोलो फ्रेंड्स। फिजिकल डिटेल्स में वो सारी डिटेल्स होती हैं जिस तरीके से डेटा स्टोर किया जाता है डेटाबेस में, हाउ डेटा इज स्टोर्ड इज कंसिडर्ड एज फिजिकल एंड व्हाट डेटा स्टोर्ड इज कंसिडर्ड एज कंसेप्चुअल, ठीक है। व्हाट और हाउ से रिलेट कर लोगे तो आधे से ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। फिजिकल स्कीमा में वही स्टोरेज डिटेल्स होंगी, हाउ डेटा इज टू बी स्टोर्ड, हाउ अगेन देखो यहाँ पे हाईलाइटेड है, कौन सा डेटाबेस, फाइल फॉर्मेट क्या यूज कर रहे हो, रिकॉर्ड का फॉर्मेट कौन सा यूज कर रहे हो। पिछले वीडियो में अपन ने मॉडल्स को डिस्कस किया था, है ना, डेटाबेस के मॉडल्स को डिस्कस किया था, तो डेटाबेस के मॉडल्स देख लेना एक बार। मॉडल्स क्या, नेटवर्क, हायरार्कियल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड रिलेशनल, ठीक है। तो उसमें अपन यही फिजिकल स्कीमा से ही रिलेट करते हैं उस सारी बातों को कि कैसे आपका डेटा स्टोर होने वाला है, ठीक है। चलो अब बात आती है फ्रेंड्स, ये तो आपका थ्री टायर लेवल आर्किटेक्चर हो गया। थ्री टायर लेवल आर्किटेक्चर को दिमाग में बिठा के अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी देख लिया हमने कि एब्स्ट्रैक्शन क्या काम करता है, क्या रोल प्ले करता है। अब बात आती है डेटा इंडिपेंडेंसी, ठीक है। अगर इस टर्म को तुम तोड़ते हो, अगर इस टर्म को तुम तोड़ते हो, बाइफोगेट करते हो, तो व्हाट वी गेट इज डेटा एंड इंडिपेंडेंसी। जैसे डेटा एंड एब्स्ट्रैक्शन था, वैसे ही डेटा एंड इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट, है ना, किसी और पे डिपेंडेंट ना होके इंडिपेंडेंट काम करना है। अब डेटा इंडिपेंडेंसी क्या बोलती है आपको, डेटा इंडिपेंडेंसी आपको डिस्क्राइब करती है कि अगर, एक मिनट मैं वही फिगर खोलती हूँ। डेटा इंडिपेंडेंसी आपको प्रोवाइड करती है कि अगर आपके कोई भी लेवल्स में चेंज हो रहा है तो उसके हायर लेवल पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। यानी कि हर एक लेवल, तीन लेवल्स हैं, हर एक लेवल अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। अपने आप में इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, अगर कोई एक लेवल, मान लो इंटरनल लेवल या कंसेप्चुअल लेवल या एक्सटर्नल लेवल, इंटरनल लेवल कोई अपने चेंज करता है तो उसके एक ऊपर वाले लेवल पे कोई फर्क ना पड़े, और अगर कंसेप्चुअल लेवल कोई चेंज करता है तो उसके एक और ऊपर वाले यानी कि एक्सटर्नल लेवल पे कोई फर्क ना पड़े,
ठीक है, ये होता है आपका डेटा इंडिपेंडेंसी। डेटा इंडिपेंडेंसी मतलब हर एक लेवल अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि अगर मैं अपने लेवल में कोई चेंज करती हूँ तो एक लेवल ऊपर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ डीबीएमएस दैट हेल्प्स यू टू चेंज द डेटाबेस स्कीमा। चेंज द डेटाबेस स्कीमा एट वन लेवल ऑफ डेटाबेस सिस्टम विदाउट रिक्वायरिंग टू चेंज द स्कीमा एट नेक्स्ट हायर लेवल। ठीक है, लोअर लेवल पे नहीं बोल रहे हैं, दो हायर लेवल पे नहीं बोल रहे हैं, जस्ट नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट हायर लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलना चाहते हैं हम, अगर हम कोई भी स्कीमा पे, हम कोई भी लेवल पे चेंज करते हैं तो उसका असर उसके नेक्स्ट हायर लेवल पे नहीं पड़ना चाहिए। ये होता है डेटाबेस इंडिपेंडेंसी। डेटाबेस इंडिपेंड, डेटा इंडिपेंडेंसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम ले लो, कभी भी किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, इंडिपेंडेंसी पे 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं इसको वो कर रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि इसको समझ लो, अच्छे से समझ लो। ठीक है, डेटा इंडिपेंडेंसी हेल्प्स यू टू कीप डेटा सेपरेटेड फ्रॉम ऑल फाइल दैट मेक्स यूज ऑफ इट। ठीक है, इट बेसिकली क्या करता है कि जो आपने डेटा बनाया है उसको दूसरे लेवल, हायर लेवल से अलग रखने की कोशिश करता है। ठीक है, मान लो डेटा इंडिपेंडेंसी में मैंने, मान लो फिजिकल लेवल पे मैंने कोई चेंज किया, फिजिकल लेवल पे मैंने कोई चेंज किया मतलब फिजिकल लेवल पे मैंने चेंज किया या तो उसका पैटर्न बदल दिया, या पहले तो मैं पेन ड्राइव यूज़ कर रही थी स्टोरेज के लिए, अब मैं कोई और डिवाइस यूज़ कर रही हूँ स्टोरेज के लिए। ठीक है, अब जैसे ही मैंने डिवाइस चेंज किया तो क्या उसके हायर लेवल पे कोई फ़र्क पड़ा क्या? ठीक है, फिर अगर कंसेप्चुअल लेवल में मैंने क्या स्टोर किया हुआ है, व्हाट डेटा इज टू स्टोर, पूरे कंसेप्चुअल लेवल में डेटाबेस की स्कीमा, डिज़ाइन, क्या डेटा है, ये सारी इंफॉर्मेशन कंसेप्चुअल लेवल पे स्टोर करूंगी मैं। ठीक है, अब अगर मैंने कंसेप्चुअल लेवल में कोई नई एट्रीब्यूट को ऐड कर दिया, या दो एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट को मर्ज कर दिया, या मान लो कोई यूज़र बैंकिंग की, अपन बैंकिंग सिस्टम का एग्जाम्पल लें, तो वहाँ पे मैंने कोई यूज़र की इंफॉर्मेशन को एड्रेस चेंज कर दिया, या यूज़र की इंफॉर्मेशन का एक और अकाउंट जनरेट कर दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन करते टाइम, ये सारी मॉडिफिकेशन करते टाइम क्या एक्सटर्नल यूज़र को, एक्सटर्नल व्यू को फ़र्क पड़ा क्या? जैसे मान लो यूज़र वन अगर ये ऑपरेट कर रहा था तो इसको चेंज करने के बाद यूज़र वन की प्रोसेसिंग में फ़र्क पड़ा क्या? यूज़र टू अब कुछ और देख रहा है, या यूज़र थ्री अब कुछ और देख रहा है क्या? ठीक है, तो ये होती है आपकी डेटाबेस इंडिपेंडेंसी। आई होप डेटाबेस इंडिपेंडेंसी क्लियर हो गई होगी अभी तक। डेटाबेस इंडिपेंडेंसी आप दो तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, फर्स्ट वन इज लॉजिकल एंड सेकेंड वन इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉजिकल एंड फिजिकल डेटाबेस इंडिपेंडेंसी। क्या होता है फिजिकल डेटाबेस इंडिपेंडेंसी और क्या होता है लॉजिकल इंडिपेंडेंसी, इसके लिए आपको क्या समझना है, आपको समझना है ये वाला डायग्राम, वही वाला डायग्राम है। इसमें अपन ने दो एट्रीब्यूट्स को ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स को ऐड ऑन कर दिया है आपको पता ही है, एक तो ये एट्रीब्यूट ऐड हुई है और एक अपनी ये एट्रीब्यूट ऐड हुई है। ठीक है, वही डायग्राम है, देखो एक्सटर्नल व्यू है, कंसेप्चुअल व्यू है, फिजिकल व्यू है, डेटाबेस है, पहले फिजिकल स्कीमा आता है, उसके बाद कंसेप्चुअल स्कीमा आता है, और फिर उसके बाद ये आपका एक्सटर्नल स्कीमा आता है। अब यहाँ पे डेटाबेस इंडिपेंडेंसी क्या कहलाती है, डेटाबेस इंडिपेंडेंसी ये कहलाती है कि किसी लेवल में चेंज हो तो उसके ऊपर वाले लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये बात इधर कनेक्ट कर दो, यानी कि फिजिकल स्कीमा में मैं कोई अगर चेंज करती हूँ तो उसका फर्क कंसेप्चुअल स्कीमा पे नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी डेटाबेस में कोई भी प्रॉपर्टीज़ को इंसर्ट किया, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी को मैंने इंसर्ट किया, कोई भी स्टोरेज कैपेसिटी को चेंज कर दिया, या नई कैपेसिटी इंक्लूड कर दी, या उसके डेटा स्ट्रक्चर्स का पैटर्न अलग कर दिया, या फिर उसके एक्सेस मेथड्स को चेंज कर दिया, या फिर उसकी लोकेशन, डेटाबेस की लोकेशन को मैंने चेंज कर दिया, ये सारी चेंजेस आते हैं आपकी फिजिकल स्कीमा में, हाउ डेटा इज टू बी स्टोर, वहाँ पे चेंजेस। ठीक है, अगर मैं ये सारे चेंजेस कर देती हूँ तो उन चेंजेस का फर्क आपके कंसेप्चुअल लेवल को पड़ेगा क्या? ठीक है, अगर नहीं पड़ता है तो वो होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी।
ठीक है, फिजिकल डेटाबेस डेटा इंडिपेंडेंसी क्या हुई, अगर फिजिकल स्कीमा में चेंज कर रहे हैं तो उसका एक लेवल हायर स्कीम लेवल कौन सा है, कंसेप्चुअल स्कीमा, उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए, फिर सिर्फ और सिर्फ चेंज फिजिकल एट्रीब्यूट तक रह जाना चाहिए, कंसेप्चुअल स्कीमा पे का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो होती है आपकी फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। ऐसे ही ले लो, ऊपर बढ़ो एक, ये तो हो गई सेकेंड लेयर और फर्स्ट लेयर की बात, ठीक है, आपके पास एक और लेयर है थर्ड लेयर एक्सटर्नल लेयर। अब बात आती है, अगर फर्स्ट और सेकेंड इंक्लूड कर लिया हमने, अब बात आती है सेकेंड और थर्ड को इंक्लूड करने की। अगर सेकेंड में हम कोई चेंज करते हैं, कंसेप्चुअल लेवल में अगर हम कोई चेंजेस परफॉर्म करते हैं, तो उन चेंजेस का असर क्या एक्सटर्नल व्यूअर्स को पड़ेगा क्या? ठीक है, अगर हम कंसेप्चुअल लेवल में चेंज करते हैं तो यूजर्स एक्सटर्नल यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। ठीक है, समझ आया, आई होप आपको इससे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये डायग्राम आपको अपने दिमाग में बैठाना है, इसको आप देखो ध्यान से, ठीक है, 2 सेकंड इसको देखो, पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जो आपकी मर्जी आए करो, लेकिन इस डायग्राम को दिमाग में बैठा लो। सबसे पहले डेटाबेस होता है, फिजिकल होता है, फिजिकल स्कीमा के बाद कंसेप्चुअल स्कीमा होता है। अगर हम फिजिकल स्कीमा में कोई चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं, उसका इफेक्ट कंसेप्चुअल लेवल पे ना पड़े, तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। ऐसे ही अगर कोई कंसेप्चुअल लेवल में हम चेंज परफॉर्म करते हैं, उसका इफेक्ट हायर लेवल विच इज एक्सटर्नल लेवल पे ना पड़े, वो कहलाया जाता है आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। ठीक है, बहुत ही सिंपल हो गया ये आपके लिए, आई डोंट थिंक अब आप कभी भी इसमें अटकोगे। यहाँ पे वापस से इनके टर्मिनोलॉजीज को याद कर लेना, इंडिविजुअल यूजर व्यू एक्सटर्नली होता है, ग्लोबल या कम्युनिटी यूजर व्यू कंसेप्चुअल होता है, इंटरनल व्यू या स्टोरेज व्यू आपका फिजिकल लेवल होता है। ठीक है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, अपन लैंग्वेज में देखें, इंडिपेंडेंस इज द पावर टू चेंज द फिजिकल डेटा विदाउट इम्पैक्टिंग द स्कीमा ऑफ लॉजिकल डेटा। फिजिकल डेटा को चेंज कर लो, उसमें स्टोरेज घुसा लो, उसके एक्सेस मेथड्स चेंज करो, उसके स्ट्रक्चर्स को चेंज करो, उसके डेटाबेस की पोजीशन को चेंज करो, लेकिन लॉजिकल कंसेप्ट डिजाइन स्कीमा पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही होती है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी इज अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म विच लिबरलाइजेज इटसेल्फ फ्रॉम एक्चुअल डेटा स्टोर्ड ऑन द डिस्क। इफ वी डू सम चेंजेस ऑन टेबल फॉर्मैट, इट शुड नॉट चेंज द डेटा रिसाइडिंग ऑन द डिस्क। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है, आपके अगर टेबल फॉर्मेट पे कोई चेंज परफॉर्म कर रहे हो, तो टेबल फॉर्मेट के साथ कुछ कर रहे हो, उसके स्कीमा के साथ कोई प्रॉब्लम कर रहे हो, तो जो उसका रिसाइड कर रहे हैं, जो यूजर्स उसको यूज़ कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनको जो वो जो डेटा एक्सेस कर रहे हैं, वो डेटा उसी फॉर्मेट में वो एक्सेस करना चाहिए। ठीक है, मान लो मैंने 2 यूज़र की इंफॉर्मेशन को इमर्ज भी कर दिया, अलग अलग यूजर की इंफॉर्मेशन में एट्रीब्यूट्स ऐड कर दिए, तो जो यूजर 1 है, जो सिर्फ अपने अकाउंट को देख रहा है, उसको सिर्फ अपना अकाउंट के साथ वो जैसे पहले देख रहा था चेंज होने से पहले, उसी तरीके से वो बाद में देखना चाहिए। सिंपल, ठीक है, तो ये होती हैं आपके लॉजिकल इंडिपेंडेंसी एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। ठीक है, इसमें होती हैं मैपिंग्स भी होती हैं फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ मैपिंग्स भी देख लो, यहाँ पे 2 टाइप की मैपिंग्स होती हैं, बहुत ही इजी हैं, अगर आपने इंडिपेंडेंसी का कंसेप्ट समझ लिया तो मैपिंग्स का भी समझ जाओगे। ठीक है, मैपिंग्स क्या होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं, एक्सटर्नल एंड कंसेप्चुअल लेवल मैपिंग, कंसेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल मैपिंग। ठीक है, आपके भी क्वेश्चन आ रखे हैं UGC नेट में कि दिस टाइप, एक सिनेरियो वो दे देंगे कि बैंक मैनेजर है, वो सैलरी को एक्सेस कर रहा है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर पा रहा, किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो ये कौन सी मैपिंग हुई। ठीक है, बेसिकली आपको बताना है कि कितने कौन कौन से लेवल का इंटरेक्शंस इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल मैपिंग हो रही है, यहाँ पे देखते हैं, 1 सेकेंड मैं क्लियर कर लेती हूँ। यहाँ पे देखो, अगर एक्सटर्नल
और एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल लेवल मिल के कोई बात कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ यूजर की बात हो रही है और आपके डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, डिजाइन की बात हो रही है, तो ये वाली हो जाती है आपकी एक्सटर्नल एंड कंसेप्चुअल मैपिंग। और अगर आप कंसेप्चुअल मैपिंग और फिजिकल मैपिंग में काम कर रहे हो, ठीक है, ओ सॉरी, कंसेप्चुअल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा में काम कर रहे हो, यानी कि अगर मेरे को कुछ डिजाइन में चेंज करना है तो मेरे क्या स्टोरेज में चेंज होएगा क्या, या फिर वाइस वर्सा, अगर मैं स्टोरेज में कुछ चेंजेस कर रही हूँ तो क्या मेरे डिजाइनिंग में, कंसेप्ट में कोई चेंज होगा क्या। ठीक है, तो ये वाली मैपिंग होती है आपकी कंसेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल मैपिंग। तो ये एक मैपिंग हो गई कंसेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल, और ये एक मैपिंग हो गई एक्सटर्नल एंड कंसेप्चुअल लेवल। कितना आसान हो गया, देखो, एक्सटर्नल एंड कंसेप्चुअल लेवल मैपिंग एंड सेकेंड वन वॉज कंसेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल मैपिंग। तो ये देख रहे हो थ्री टायर आर्किटेक्चर के ऊपर ही सब चीज़ें घूम रही हैं, आपका मैपिंग घूम रहा है, आपका स्कीमा घूम रहा है, आपकी इंडिविजुअलिटी घूम रही है, आपके डेटा का कंसेप्ट, डेटा इंडिपेंडेंस घूम रहा है, फिजिकल इंडिपेंडेंसी, लॉजिकल इंडिपेंडेंसी एंड सो ऑन। अब मुझे नहीं लगता अगर आपने ये डायग्राम अच्छे से पढ़ा है, इसको समझ लिया है, इसको अपना स्क्रीन, दिमाग के स्क्रीन में बिठा लिया है, तो आपको आगे अपन जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट में आए हुए, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो चलो अपन जल्दी से, अपन ने पढ़ा है तो अपन थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि आपको पता पड़े कि किस पैटर्न में क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, टाइप ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस इन विच स्कीमा कैन बी ऑल्टर्ड ऑन कंसेप्चुअल लेवल विदाउट ऑल्टरिंग एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्चुअल लेवल में स्कीमा ऑल्टर्ड हो गई है। यहाँ पे क्या हुआ है, कंसेप्चुअल लेवल में ऑल्टर्ड हुई है और वो बोल रहा है एक्सटर्नल लेवल की बात कर रहा है। ठीक है, तीन लेवल्स हैं, फिजिकल, कंसेप्चुअल एंड एक्सटर्नल, वो बात कर रहा है सेकंड की और थर्ड की। तो डायग्राम में देखना यहाँ पे क्या आता है और फिर यहाँ पे क्या आता है, डायग्राम को याद कर लेना, आराम से आप इसका बता दोगे आंसर क्या है। फर्स्ट इज कंसेप्चुअल लेवल इंडिपेंडेंस, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल लेवल इंडिपेंडेंस, थर्ड इज लॉजिकल लेवल इंडिपेंडेंस एंड फोर्थ वन इज फिजिकल लेवल इंडिपेंडेंस। ठीक है, फिजिकल लेवल, लॉजिकल, एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर, इधर क्या था, यहाँ पे सेकेंड और थर्ड इसकी बात हो रही है और इसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे जो डायग्राम में था, जो लिखा हुआ था बीच में, वो इसका आंसर है, या तो फिजिकल हो सकता है या लॉजिकल हो सकता है। तो फिजिकल तो होता है फिजिकल और लॉजिकल के बीच का इंडिपेंडेंस, और लॉजिकल होता है कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल के बीच का इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस यू आर राइट, आंसर हो जाएगा सी, लॉजिकल लेवल इंडिपेंडेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, देर आर डैश लेवल ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। बहुत ही ईजी है, जल्दी से बता सकते हो कितने टाइप्स के डेटा इंडिपेंडेंस होते हैं अपने पास, टू होते हैं, फाइव होते हैं, थ्री होते हैं या सिक्स होते हैं। तो बताओ कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है लॉजिकल, तो दोनों कितने टाइप, कितने हो गए टोटल, दैट इज इक्वल टू टू, तो आंसर हो गया आपका ए। देखो अब वो अपन ने डिस्कस इतने अच्छे से कर लिया है, तो ये आपको फर्जी क्वेश्चंस लग रहे होंगे, लेकिन ये फर्जी नहीं है, ये आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वही क्वेश्चंस हैं। तो मान लो यहाँ पे आपने 2 मार्क्स आराम से पूरे पूरे कमा लिए, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और 2 मार्क्स से आप जेआरएफ को क्वालिफाई करने से रह जाते हो, तो हर मार्क की बहुत ही कॉम्पिटिटिव में, आप जानते ही हो हर मार्क्स की इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर आपको लग रहा है ये फर्जी है, तो इस फर्जी पे इतना काम कर लो, मतलब फर्जी इन सेंस ईजी है, इस ईजी पे इतना काम कर लो कि आपको पता ही नहीं पड़े कि कब आप 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स करने लग जाओगे। और अगर आप पूरे चैनल को देख रहे हो तो फ्रेंड्स रोज़ 9 बजे आ जाया करो, अपन ऐसे ही रोज़ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, जब तक आपका नेक्स्ट यूजीसी नेट आ रहा आएगा एग्ज़ाम, जब तक आएगा तब तक तो अपन सारा हर टॉपिक को ईजी बना लेंगे, फर्जी बना लेंगे आपकी भाषा में। ठीक है, चाहे कोई सी भी यूनिट ले लो, टॉक ले लो, टॉक, अब मैं इस टॉक को इसलिए बोलती हूँ कि मुझे पता है आप लोगों ने टॉक को बहुत हवा बना रखा है, लेकिन टॉक बिल्कुल हवा नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम SDLC, इनफैक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही ईजी तरीके से अपन समझने वाले हैं। बस जल्दी से ज़्यादा इसको शेयर करो फ्रेंड्स, सब्सक्रिप्शन प्लान ले लो, ताकि अच्छे से आपको कंटेंट मिल जाएगा। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे, हाँ, किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था प्रीवियस वीडियोस में कि अगर
कंटेंट हम पढ़ रहे हैं तो किसी स्टैंडर्ड बुक को रिकमेंड करें, स्टैंडर्ड बुक को पढ़ें कि नहीं पढ़ें, ठीक है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आपने सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया, हम सिर्फ यहाँ पे लॉजिक समझ रहे हैं, टॉपिक के पीछे का लॉजिक समझ रहे हैं, और आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगी, सारे स्टैंडर्ड बुक का कंटेंट होगा, वो आसान भाषा में कट शॉर्ट करके मैंने बनाया है, तो वो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि अभी आपने, अभी आपके पास कोई कंटेंट नहीं है। अगर कंटेंट है तो वेल एंड गुड है, ये पर्टिकुलर प्रेजेंटेशंस देखेंगे अपन, इधर से समझेंगे, तो आई एम अश्योरिंग यू ऑल, आपको उस टॉपिक के पीछे का लॉजिक तो समझ आ जाएगा, नो डाउट समझ आ जाएगा। आप इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस भी अप्लाई कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस पे वो लॉजिक डालो और सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि डेप्थ में पढ़ना है तो स्टैंडर्ड बुक को समझ एक बार पढ़ सकते हो, रिकमेंड करती हूँ मैं कि हाँ स्टैंडर्ड बुक को एक बार रीड कर लो, पहले से पढ़ोगे कि गए हम तो स्टैंडर्ड बुक को खोलना शुरू कर गए, वहाँ पे इतना सारा ज्ञान है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में है, तो आपका दिमाग घूम सकता है। पहले वीडियो देखो, मेरे सारे वीडियोस टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस देखते रहो, और फिर अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर में थोड़ा और माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ भी अगर रीड करने की ज़रूरत आपको लग रही है, तो बुक में जाओ रीड करो, फिर वो डेटा, जो भी बुक का जो डेटा है, वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट जाओगे तो चांसेस हैं कि वो समझ ना आए। चलो आ जाते हैं अपन अपने थर्ड क्वेश्चन पे। टाइप ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस इन विच इंटरनल स्कीमा कैन बी मॉडिफाइड विदाउट ऑल्टरिंग, वही विदाउट ऑल्टरिंग कंसेप्चुअल स्कीमा, ठीक है। वही डायग्राम बना लो, तीन लेवल होते हैं अपने, हर एक के बीच में एक डेटा इंडिपेंडेंस होता है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो ये क्या बोल रहा है, इंटरनल स्कीमा कैन बी मॉडिफाइड, थर्ड इंटरनल स्कीमा फिजिकल स्कीमा कैन बी मॉडिफाइड विदाउट ऑल्टरिंग कंसेप्चुअल स्कीमा। आपको पता है आंसर क्या है, इधर जो पॉइंट था आपके डायग्राम में और इधर जो पॉइंट था आपके डायग्राम में, उनमें से आंसर होने वाला है। तो इन दोनों की बात हो रही है, तो इन दोनों के बीच वाला जो कंसेप्ट था इंडिपेंडेंस का, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख ही रहा है लॉजिकल, कंसेप्चुअल, एक्सटर्नल या फिर फिजिकल, बताओ क्या है आंसर इसका। यस यू आर राइट, फिजिकल लेवल डेटा इंडिपेंडेंस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनेजर्स सैलरीज आर टू बी हिडन फ्रॉम एम्प्लॉई टेबल, दिस टेक्निक इज कॉल्ड, देखो यहाँ पे ये अच्छा है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैनेजर्स सैलरी आर टू बी हिडन फ्रॉम एम्प्लॉई टेबल, ठीक है, कौन सी एब्स्ट्रैक्शन लगा है यहाँ पे, ठीक है, वही वाला डायग्राम याद करो जहाँ पे अपन ने एब्स्ट्रैक्शन को समझा था, ठीक है। मैनेजर की सैलरी एम्प्लॉय की टेबल से हिडन करनी है, आर टू बी हिडन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय की टेबल में कंसेप्चुअल स्कीमा में आपको मैनेजर की सैलरी को हाइड करना है, ठीक है। क्या हो गया अपना कंसेप्चुअल स्कीमा में, आपको कंसेप्चुअल स्कीमा में डिज़ाइन में टेबल आ गया ना, इसलिए कंसेप्चुअल स्कीमा में आपको एम्प्लॉय टेबल में मैनेजर्स की सैलरी को हाइड करना है। तो ये कौन सी, दिस टेक्निक इज कॉल्ड, कौन सी लेवल ऑफ डेटा हाइडिंग हो जाएगी, कौन सी लेवल की हाइडिंग हो जाएगी, क्योंकि इसको एक्सटर्नल व्यू देख रहा है, एक्सटर्नल यूज़र देख रहा है। देखो मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ फिर से, अपन को जाना ही पड़ेगा। चलो आंसर के बाद अपन देखते हैं वो वाले, क्या देख लेते हैं पहले, क्योंकि देखना इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपने उस डायग्राम को अच्छे से ध्यान नहीं रखा है तो अब रख लो। अब वापस से आ गए अपन उस स्लाइड पे, इसी स्लाइड के, मैंने बोला था हर क्वेश्चन इन्हीं स्लाइड के ऊपर ही है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, क्योंकि देखो यूज़र तो यहाँ बैठा है, ठीक है, वो उसने बोला कि कंसेप्चुअल स्कीमा में रिकॉर्ड में मुझे एक एम्प्लॉय की डिटेल्स को, सैलरी को हाइड करना है, ठीक है। तो ये कौन सा एब्स्ट्रैक्शन हो गया, एक्सटर्नल व्यू हो गया, कंसेप्चुअल व्यू हो गया, फिजिकल व्यू हो गया, या इंटरनल व्यू हो गया, एक्सटर्नल व्यू हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि कंसेप्चुअल है। एक्सटर्नल व्यू किसके साथ डील करता है, एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल के साथ। कंसेप्चुअल व्यू किसके साथ डील करता है, कंसेप्चुअल एंड फिजिकल के साथ। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, एक्सटर्नली हम देख रहे हैं, कंसेप्ट को हम चेंज, कंसेप्चुअल व्यू को चेंज कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया हमारा, एक सेकेंड,
यस, इसका आंसर हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया आपका एक्सटर्नल लेयर, एक्सटर्नल लेवल डेटा हाइडिंग। ठीक है, सी आपका इसका आंसर है, क्योंकि एक्सटर्नल लेवल डेटा हाइडिंग कर रहे हैं अपन, कंसेप्चुअल लेवल डेटा हाइडिंग कर, कंसेप्चुअल पे ले कर रहे हैं, कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल, तो इसका आंसर हो गया आपका एक्सटर्नल लेवल डेटा हाइडिंग। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यू ऑफ टोटल डेटाबेस कंटेंट इज, टोटल डेटाबेस का व्यू कौन सा होता है? मैंने आपको बताया है, अपन अभी डिस्कस भी किया है। टोटल डेटाबेस यानी कि पूरे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन, क्या स्कीमा है, क्या लॉजिक है, क्या डिजाइन है, सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस की कहाँ पे स्टोर होगी, ये उसने पूछा है। सिंपल, तो बताओ कौन से लेवल में स्टोर होगी। आई थिंक अब आप ऑप्शंस को देखे बिना भी एक्सटर्नल आंसर दे सकते हो। एक्सटर्नल व्यू में होगी क्या सारी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन, टोटल डेटाबेस कंटेंट? नहीं। इंटरनल व्यू में तो स्टोरेज का कंसेप्ट होता है, फिजिकल व्यू आपका इंटरनल व्यू ही हो गया। कौन सा बचता है आपका? लॉजिकल व्यू, दैट इज कंसेप्चुअल व्यू। कंसेप्चुअल व्यू बीच का व्यू होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था, उसमें सारी स्कीमा की इंफॉर्मेशन, सारी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया अपना सी। सिक्स्थ क्वेश्चन, डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स क्या होता है? जल्दी से पढ़ो क्या होता है मुझे बताओ। डेटा इज डिफाइंड सेपरेटली एंड नॉट इंक्लूडेड इन प्रोग्राम्स, ये होता है क्या इंडिपेंडेंस का मतलब, कि हर एक डेटा को सेपरेटली डिफाइन करना। प्रोग्राम्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ डेटा। यस, प्रोग्राम्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द लॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा। यस, ठीक है। या तो डेटा इंडिपेंडेंस ही दो टाइप की होती है, फिजिकल एंड लॉजिकल। फिजिकल में क्या होता है? फिजिकल एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं होता, यानी कि फिजिकल में आप कोई चेंज कर लो, कंसेप्चुअल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉजिकल में क्या होता है? लॉजिकल में चेंज कर लो, कंसेप्चुअल में चेंज कर लो, एक्सटर्नल पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, यानी कि बी भी करेक्ट है। फिजिकल एट्रीब्यूट पे भी फिजिकल एट्रीब्यूट भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और लॉजिकल एट्रीब्यूट भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल लेवल इंडिपेंडेंसी इज अचीव्ड? यस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है। अपन ने प्रीवियस वीडियो में डेटा मॉडल डिस्कस किया था, नहीं देखा है आपने तो जल्दी से जाओ प्रीवियस वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट में जाके काव्यागौर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। चैनल के चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट में काव्यागौर की प्लेलिस्ट, और प्रीवियस वीडियो में अपन ने डेटा मॉडल्स ही डिस्कस किए हैं। तो देखोगे आप डेटा मॉडल्स में तीन टाइप, तीन तो रिकॉर्ड बेस्ड होता है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड होता है। ठीक है, रिकॉर्ड बेस्ड अगर है, रिकॉर्ड बेस्ड अगर आपका कोई सा मॉडल है, तो रिकॉर्ड बेस्ड पे तुम मान के चलो कि अगर तुम फिजिकल में कुछ चेंज करते हो तो लॉजिकल में चेंज वो होगा ही होगा, अगर वो रिकॉर्ड के बेस्ड पे है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लो फिजिकल में हम कोई चेंज कर रहे हैं, फिजिकल में हम कोई चेंज कर रहे हैं, सॉरी, यस, फिजिकल में आप कोई चेंज कर रहे हो तो लॉजिकल में अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, या लॉजिकल में चेंज कर रहे हो तो फिजिकल में अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, एक रिलेशनल मॉडल ऐसा ही था जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड इंडिपेंडेंसी खत्म हो रही थी। प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो देखना, मैंने आपको स्ट्रक्चर्ड इंडिपेंडेंसी बताई है। स्ट्रक्चर्ड इंडिपेंडेंसी ही फिजिकल इंडिपेंडेंसी कहलाई जाती है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड इंडिपेंडेंसी सिर्फ रिलेशनल मॉडल में ख़त्म हो रही थी, क्योंकि रिलेशनल मॉडल में हम उन पे डिपेंड नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, रिलेशनल मॉडल इसका आंसर हो जाएगा, जहाँ पे फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी नहीं होती है, बाकी सब में फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी होती है। ओके, चलो फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के सेशन को अगर आपको अच्छा लगा है देखकर, तो ज़रूर से लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस पर्टिकुलर चैनल को, और रोज़ 9 बजे आना मत भूलना। 9 बजे आ जाओ, रात को अपन कोई नया नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज़ देखेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बहुत ही एंटरटेनिंग रहने वाली हैं क्लासेस। ठीक है, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एग्जाम्स की। और हाँ फ्रेंड्स, कब अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो सब्सक्रिप्शन प्लान लो, काव्या कोड को डालो रेफरल में, और फ्लैट आपको 10% का डिस्काउंट हाथों हाथ ले लो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अपन।
कोई नया टॉपिक लेके कीज़ का कंसेप्ट लेंगे या फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब धीरे धीरे स्टार्ट होने वाले हैं फ्रेंड्स, अभी तक भी इंपॉर्टेंट था लेकिन हाँ ठीक है, ये वाला कंसेप्ट बस एक बार सुन लेते हैं तो समझ आ जाता है। बाकी कंसेप्ट जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई, नॉर्मलाइजेशन हो गया और अपना सीरियलाइजेशन हो गया, ट्रांजैक्शन कॉन्करेंसी कंट्रोल, ये सारे जो कंसेप्ट होते हैं इनको थोड़ा समझने के लिए ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, तो अपन सारी ट्रिक यूज़ करने वाले हैं। तो आप स्टे ट्यून टू दिस चैनल और 9 बजे आ जाओ, रोज़ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको पता पड़े कि इस चैनल में कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय।